हेलो एवरीवन, तो चलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बड़ा मजेदार कॉम्प्लेक्स नंबर पे लेक्चर्स। यहाँ पे मैं कोई बेस नहीं लेके आई हूँ, ओनली ओनली आपके लिए ट्रिक्स लेके आई हूँ। 5 ट्रिक्स है जो आज के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। बेस प्रॉपर अगर पढ़ना है तो वो तो हम वन बाय वन फिर तो पूरी प्लेलिस्ट में जाती है, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ ट्रिक्स लेके आए हैं। ऐसी मजेदार ट्रिक्स और देखने के लिए आप ना इस नंबर पे व्हाट्सएप हमारा होगा है ना, इस नंबर पे आप मैसेज करें व्हाट्सएप पे। आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की, पीजीटी की, मास्टर कैडर की, बीएससी की, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इस नंबर पे हमें जरूर मैसेज करें अपना एग्जाम और अपना नाम लिख के, है ना। फिर आप हम आपको आपके पर्टिकुलर एग्जाम के अकॉर्डिंग एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करते हैं, जिससे आपको टाइम टू टाइम ट्रिक्स मिलती रहती हैं और प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ क्वेश्चंस भी मिलते रहते हैं। ये आपके बेनिफिट के लिए कुछ ना कुछ वहां पे आपके पास आता रहता है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। सबसे पहले फर्स्ट ट्रिक स्क्वायर रूट पे है। आई होप काफी कैंडिडेट्स को आती होगी, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना। बहुत सारी चीजें न्यू भी होंगी और कुछ ओल्ड भी होंगी, है ना। तो स्क्वायर रूट वाली ट्रिक्स फिर भी आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान से देख लेना यहाँ पे भी क्या है स्क्वायर रूट वाली ट्रिक्स। स्टार्ट करते हैं। मैंने एक ऐसा क्वेश्चन लिया है जिसमें मैंने दोनों नेगेटिव साइन लिए हैं, दैट्स व्हाई आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो पाए। एक एमसीक्यूज करने पर जब आपके पास प्रैक्टिस के लिए और एमसीक्यूज आएंगे तो आप उसे बहुत इजीली कर पाओगे, ठीक है जी। तो करना क्या होता है, बड़े आराम से आप ट्रिक्स को सुनिए। देखिए यहाँ पे जो भी इमेजिनरी पार्ट है, पहले तो आप इमेजिनरी पार्ट का कर दीजिए हाफ। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट -6 है ना, जब आप इसका हाफ करोगे कितना आएगा, -3। तो अब जब आपने इसको हाफ कर दिया, हाफ करने के बाद हमने -3 को ऐसे 2 पार्ट्स में हम कहते हैं फैक्टराइज करना है। क्या कि जब हम स्केयरिंग और उनकी सब्ट्रैक्ट करें, स्केयर करके जब सब्ट्रैक्ट करें, हमारे पास रियल पार्ट आना चाहिए। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ 3 × 1, है ना, क्योंकि 3 प्राइम नंबर है तो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके ही बनेगा। देखो 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, 9 3 का स्क्वायर करके 9, 9 माइनस 1 कितना आ गया, 8। जबकि मेरा रियल पार्ट क्या है, -8। मैंने तो बोला कि रियल पार्ट आना चाहिए, रियल पार्ट क्या है यहाँ पे, -8 नहीं आया, यानी कि हम ये वाला नहीं ले सकते। तो हम अब ए और बी को रेसिप्रोकल कर लेंगे। तो यहाँ से आपको ए और बी चूज करना बहुत ईजी हो जाता है, है ना। अगर आप अब ए को तो 1 ले लो, यानी कि अब इस रिलेशन को छोड़ दो, आप इसको 1 ले लो और इसको 3 ले लो। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। 1 माइनस 9 -8 हो गया, ठीक है जी, कितना हो गया, -8। रियल पार्ट आ गया ना -8, यानी कि क्योंकि हमने जब स्क्वायर रूट निकालना होता है ना, इसको हम एज ए लेके चलते हैं कि ए प्लस एटा बी है, इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू, तो वो ए और बी निकालना होता है। तो अब मुझे पता चल गया कि ये मेरा ए आएगा, यानी कि ये मेरा ए है, अब ये मेरा बी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और हमने नोट करनी है, क्या, देखो यहाँ पे मैंने बोला कि फैक्टराइज करना है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करके तो आपका इमेजिनरी पार्ट बनना चाहिए, स्केयरिंग और सब्ट्रैक्टिंग करके आपका रियल पार्ट बनना चाहिए। तो रियल पार्ट तो -8 बना दिया, लेकिन इमेजिनरी पार्ट भी -3 बन रहा था, है ना, -3 बन रहा था। मुझे पता चल गया कि ए की वैल्यू 1 आएगी, बी की वैल्यू 3 आएगी, तो आप माइनस देखो इसके साथ भी लगा सकते हो, इसके साथ भी लगा सकते हो, क्योंकि -1 × 3 करोगे तो -3 आएगा, है ना। अगर 3 × -1 करोगे तो भी -1 आएगा। तो अब करेंगे कैसे, तो हम इसको बाय ऑप्शन से हमें पता चल जाता है कि हमने -1 के साथ लगाना है कि 3 के साथ लगाना है, ठीक है ना। अब इसके आगे हमेशा प्लस माइनस भी आता है। तो अब मैं अगर इसका आपको इमेजिनरी पार्ट लिखना, इसका स्क्वायर रूट की वैल्यू लिखना चाहूं, तो प्लस माइनस देखो आप क्या कर सकते हो, -1, ठीक है, क्योंकि ए की वैल्यू -1 ली ना हमने, ए की वैल्यू 1 थी और बी की वैल्यू 3 है, +3 एटा, तो ये आ गया आपका स्क्वायर रूट। आपको एग्जाम में आगे प्लस माइनस भी हो सकता है, या फिर अगर आपको एग्जाम में ये ऑप्शन नहीं दिख सकती, ये भी हो सकती है +1 − 3 एटा, ये भी दिया जा सकता है, ठीक है। या फिर हो सकता है आपको प्लस माइनस दिया ही ना हो, इन्होंने प्लस से सिंपल लिखा हो या माइनस से मल्टीप्लाई करके लिखा हो, तो ये चीजें आप देख सकते हो वहां पे, ठीक है जी। अब दोबारा से एक बार रिकॉल करूं कि हमने किया क्या है इस क्वेश्चन में,
ठीक है ना। अब ऐसे आपने पूरे ध्यान से इस चीज को करना है तो आपके जितने भी एमसीक्यूज हैं कोई मिस्टेक्स नहीं जाएगी। जो भी स्क्वायर रूट होता है हम हमेशा उसको ए प्लस एटा वी के इक्वल लेते हैं। हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसको हाफ करके फिर हमने जो नंबर आता है ना इसका, जो भी नंबर मान लो एक्स वाई आया, उसको टू पार्ट्स ए और बी में डिवाइड करना है, सच डैट इनकी मल्टीप्लाई करके तो हमारा वही इमेजिनरी यानी कि एक्स बने। जो हाफ करके आया पार्ट वही बनना चाहिए भाई, मल्टीप्लाई करके है ना एक्स बने और स्केयरिंग और सब्ट्रैक्टिंग करके हमारा रियल पार्ट बने, बस ये ध्यान में रखना है। तो आपकी ट्रिक से बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता है, अदरवाइज स्केयर रूट खुद निकालते हो तो बहुत लेंथी जाता है। ठीक है जी, बाकी एक एमसीक्यू लास्ट में भी आएगा तो वहां पर हम देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन होता है। ठीक है चलिए अब ट्रिक नंबर टू पे मूव करते हैं। यहाँ पे ट्रिक नंबर टू हमें क्या बताती है, कहते ट्रिक नंबर टू लोकस ऑफ पॉइंट पी मैंने ली है। आपको पूछ लेते हैं कि एक जेड पी जेड ऐसे बोल देते हैं कि पी जेड एक फिक्स्ड पॉइंट है ना और पी जेड वन जेड टू मूविंग पॉइंट है तो इनका लोकस क्या आएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो हमने क्या देखना है, अगर जेड माइनस जेड वन प्लस में आ जाए जेड माइनस जेड टू इक्वल टू के, के का मतलब कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू, यहाँ पे कोई भी कॉन्स्टेंट वैल्यू होगी। यहाँ पे भाई जेड वन जेड टू ओनली रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, टोटल कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, क्योंकि जेड वन जेड टू किसको डिनोट करते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं है ना। अगर थ्री बोलूं, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर में डिस्कस करते हैं तो थ्री को हम क्या ले लेते हैं कि रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है ना। टू लिखो तो हम इसे लिखते हैं कि प्योरली इमेजिनरी नंबर है। मैं बेस नहीं लेके चली हूं यहाँ पे है ना, ये आपको आते होंगे सारे बेस, अगर बिल्कुल नहीं आते तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो कि बेसिक वीडियोस भी आपको मिल जाती हैं कोर्स में, तो बिल्कुल बेस से पढ़ाया जाता है, पहले बेस क्लियर किया जाएगा फिर ट्रिक बताई जाएंगी। ठीक है जी, तो आप हमारी ऐप स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे भी विजिट कर सकते हो भाई, क्योंकि वहां पे आपको काफी फ्री कंटेंट भी मिलता है पढ़ने के लिए। जेड वन जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो देखो करना क्या है, जो ये जेड वन जेड टू आते हैं इनके डिफरेंस का मोड लेना है, मोडलस, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऑब्वियस हम मोडलस निकालेंगे तभी एक लेंथ आएगी ना, लेंथ मोडलस लेंथ निकाल देती है, ये भी तो कॉन्स्टेंट वैल्यू है तभी कंपेयर कर पाओगे। तो कहते हैं आप जेड वन जेड टू का डिफरेंस का मोड निकालिए, अगर तो वो कॉन्स्टेंट के इक्वल आ जाए तो लोकस आपका स्ट्रेट लाइन है ना, अगर वो नॉट इक्वल आए तो लोकस आपका एलिप्स है। अगर आपका यहाँ पे क्या है भाई प्लस है, ठीक है जी, क्या है यहाँ पे प्लस है, इन द सेम वे यहाँ पे माइनस भी आ सकता है, आएगा कि नहीं आएगा, यस माइनस भी आ सकता है। अगर आपका आ गया माइनस है ना, देखो वही सेम है जेड वन जेड टू कंसेप्ट वही है, देखो प्लस था माइनस, अगर माइनस आया वही कॉन्स्टेंट के इक्वल है, मैंने जेड वन जेड टू का डिफरेंस का मोड निकाला, अगर वो के इक्वल आ गया तो यहाँ पे ये जो लाई हो जाएगा ऑन रे, रे वर्ड लिखा जाएगा बी ए रे है ना, और अगर के इक्वल नहीं आया तो ये हाइपरबोला, माइनस के केस में हाइपरबोला, प्लस के केस में एलिप्स। ठीक है जी, ओके ओके, काम ये देखना है देख सकते हो, नोट करना नोट कर सकते हो, बहुत मजेदार कंसेप्ट है ये, क्वेश्चन करवाऊंगी एक। अब ट्रिक नंबर टू का ही एक आगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, ये तो सेम वही चल रहा है, हाँ ये रहा भाई है ना, क्या है इसमें से थर्ड पार्ट, कहते अगर जेड माइनस जेड वन का मोड, जेड माइनस जेड वन का मोड यानी कि अगर ये डिवाइड में आ जाते हैं भाई, इक्वल टू के आ जाता है, तो क्या है अगर के आपकी वन आ जाए, के आपकी वन आ जाए देन तो ये सॉरी के आपका नॉट इक्वल टू वन आ जाए, के आपका नॉट इक्वल टू वन आ जाए तो ये आपका सर्कल है, अगर के इज इक्वल टू वन आ जाए तो ये लाई करेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, जो भी ए बी लाइन दो पॉइंट को ज्वाइन करके बना है ना ये, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होगा अगर के की वैल्यू वन आ जाती है ना। इसको ना मैं यहाँ पे आपके पास कंसेप्ट क्लियर करती हूँ, मान लो आपके पास आ गया जेड माइनस फाइव एटा है ना, जेड प्लस फाइव एटा इज इक्वल टू रूट थ्री, ऐसे आ गया तो लोकस ऑफ पॉइंट पूछा आपके पास, तो लोकस ऑफ पॉइंट कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे डिवाइड में आ गया ना वही जेड माइनस जेड वन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे रूट थ्री आया, रूट थ्री की वैल्यू क्या होती है, सॉरी रूट थ्री की वैल्यू 1.73 समथिंग होती है, विच इज नॉट इक्वल टू वन, वन के इक्वल नहीं है, तो यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा आपका सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है जी, तो ऐसे आपने क्या करना है, अगर नॉट इक्वल टू वन आया तो सर्कल रिप्रेजेंट कर देगा, अगर इक्वल टू वन आ गया तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका डिवाइड में आता है, पहले प्लस में आया था माइनस में फिर डिवाइड में, ओके क्लियर। चलिए अब इसी के बिहाफ पे हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं, देखो
द लोकस ऑफ पी जेड पॉइंट सेटिस्फाई द कंडीशन इज, क्या आएगा? देखो यहाँ पे क्या है, प्लस आया है, ठीक है चलो। अब जेड वन जेड टू की वैल्यू निकाल ले, वन माइनस होता है ना यहाँ पे टू माइनस थ्री होता, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? प्लस जेड माइनस कॉमन निकाल लें तो वन माइनस फोर एटा, बहुत जल्दी हो जाता है, मैं धीरे धीरे कर रही हूँ कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये बन गया आपका जेड वन, ये बन गया आपका जेड टू, इसका मोड लेंगे। जेड वन टू माइनस थ्री एटा, माइनस आता है ना जेड टू, तो यहाँ पे देखो माइनस थ्री प्लस फोर एटा बन जाएगा, माइनस थ्री प्लस फोर एटा, क्लियर? अब देखो टू में से थ्री गया तो माइनस वन, यहाँ पे माइनस वन प्लस एटा का मोड आ गया। करिए जब आप इसका मोड निकालोगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर वन का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट टू आ गया, स्क्वायर रूट टू 1.41 आएगी। यहाँ पे कांस्टेंट के क्या है, फोर, विच इज नॉट इक्वल टू फोर। अगर नॉट इक्वल टू आता है, मैंने तो डिफरेंस निकाला, नॉट इक्वल टू आता है और यहाँ पे आ गया प्लस साइन, फिर तो आ जाएगा एलिप्स। अगर नॉट इक्वल टू आया यहाँ पे होता माइनस साइन, फिर आ जाता हाइपरबोला, है ना। लेकिन अगर इक्वल आ जाता फिर हो जाती स्ट्रेट लाइन, क्लियर? अगर इक्वल हो जाता फिर स्ट्रेट लाइन, नॉट इक्वल आया है तो एलिप्स आ गया, क्लियर? ट्रिक नंबर टू, यहाँ पे ओनली कोई रियल नंबर भी हो सकता था, है ना, ये भी आ गया। चलिए अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, ट्रिक नंबर थ्री देखेंगे। यहाँ पे मैक्सिमा मिनिमा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है भाई, जो फर्स्ट रूल ट्रिक्स है वो कभी कभी आते हैं, ये वाली तो हर बार आती है। करेंगे क्या इसके लिए, अभी सबसे पहले जो मेन चीज नोट है, जब मैंने मैक्सिमा मिनिमा निकालना है ना, आपके पास लेस देन इक्वल टू का सिंबल के साथ डिनोट की होती है, ठीक है, एक वैल्यू लेस देन इक्वल टू से, और आपने दूसरे नंबर की निकालनी है। देखो जैसे आपने यहाँ पे जेड प्लस टू की निकालनी है, जेड प्लस टू की निकालनी है ना, लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे जो रियल नंबर, हमेशा रियल नंबर दिया रहेगा, रियल नंबर दिया है, तो मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यूज के लिए क्या हम टिक एप्लीकेबल करेंगे, जो भी लेस देन इक्वल टू लिखा हुआ है रियल नंबर वो थ्री लिख लीजिए। मैक्सिमा के लिए प्लस होगा मोड वैल्यू कोई, और वही सेम मोड वैल्यू यहाँ पे माइनस होगी, वही मोड वैल्यू यहाँ पे माइनस होगी, ठीक है जी। अब प्लस माइनस होगा क्या, उसके लिए हमने इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर करना होता है, ठीक है जी, जो आगे दे रखे होते हैं। यहाँ पे जेड प्लस फोर दिया हुआ है, जहां पे जेड प्लस टू, मैंने तो जेड प्लस टू की निकालनी थी ना, तो इसको अगर मैं जेड प्लस फोर के अकॉर्डिंग बनाना चाहूं, देखो जेड प्लस टू है, फोर बनाना चाहूं तो मैं प्लस टू अगर माइनस टू कर दूं तो ये सारी चीज मेरी क्या बन गई, फोर बन गई कि नहीं बन गई, तो क्या बच गया पीछे, टू बच गया ना, माइनस टू, यानी कि यहाँ पे तो फिर माइनस टू का मोड आ जाएगा, माइनस टू का मोड आ जाएगा। बाय चांस ये रियल नंबर ही है, अगर यहाँ पे कोई इमेजिनरी नंबर होता, इमेजिनरी नंबर होता तो उसका मोडलस निकाल देते, लेकिन रियल नंबर है, मोड लगा हुआ है, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यानी कि थ्री प्लस टू फाइव आ गया, है ना, थ्री माइनस टू, क्योंकि मोडलस है अभी, वैल्यू पॉजिटिव आर निकलेगी, है ना, थ्री माइनस टू वन आ गई मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। देखो कितना इजी आ गया, सेम मैक्सिमम मिनिमम वाला, यहाँ पे जैसे मैंने रियल पार्ट लिया है, एक इमेजिनरी पार्ट वाला क्वेश्चंस भी करवाती हूँ, लेकिन उससे पहले आप देखिए थोड़ा सा इस चीज को, है ना, कि देखो ट्रिक्स नंबर थ्री पे हम पहुंच चुके हैं, है ना। आपके पास भाई ऐसी ही ट्रिक्स, सिर्फ ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, ग्रेजुएशन की भी, ग्रुप थ्योरी की भी है, है ना, सीक्वेंस एंड सीरीज वाले भी काफी लेक्चर्स अपलोड हो जाते हैं, तो आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस, हमारी जो वेबसाइट है ना, वेबसाइट है, ऐप भी है, उस पर भी विजिट कीजिए, क्योंकि वहां पे ना आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर, मैंने पहले ही बताया था, फ्री वीडियोस का कंटेंट, टेस्ट सीरीज का कंटेंट, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत कुछ है, ये नहीं कि पेड ही है, जो तो देखो फुल कोर्स लेना चाहते हैं वो उसमें भी आ सकते हैं, जहां पे बेसिक से, ट्रिक्स से, पीडीएफ से सारा कुछ कंसेप्ट किया जाता है, लेकिन जो कैंडिडेट सारा कर चुके हैं, उन्होंने जिस तैयारी करनी है वो, है ना, वो वहां पे फ्री टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं, हर एक टॉपिक का टेस्ट डाला हुआ है, टेस्ट कर सकते हैं, है ना। और भाई इस व्हाट्सएप नंबर से हमें व्हाट्सएप जरूर कीजिए, आप कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको एक पर्टिकुलर व्हाट्सएप में ऐड किया जाएगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपके पास टाइम टू टाइम वीडियोस आती रहेंगी, ट्रिक वाली पीडीएफ आती रहेंगी, आपके पास बहुत कुछ आपको व्हाट्सएप पे प्रैक्टिस के लिए मिलता रहेगा, ठीक है जी, और जो भी कोई एग्जाम की नोटिफिकेशंस होती है वो भी मिलती रहेंगी। चलिए अब बढ़ते हैं, इसी ट्रिक को आगे कंटिन्यू करते हैं, देखिए, देन द मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू ऑफ मोड जेड, है ना, यहाँ पे हमने ओनली मोड जेड लगा दिया,
मोर डैड के साथ कुछ प्लस माइनस में दे भी सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे तो लेस देन इक्वल टू रियल पार्टी तो आया है, मैंने बोला था यहाँ पे तो लेस देन इक्वल टू रियल ही आएगा। अब भी देखो यहाँ पे तो मैंने क्या बोला था कि इन दोनों को हमने कंपेयर करना है ना, कंपेयर करना है। तो क्या करेंगे, जेड में देखो मैंने ये बनाना है, यानी कि माइनस थ्री प्लस टू एटा कर दिया, तो यहाँ पे प्लस थ्री माइनस टू एटा भी करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे पास तो मोर जेड ही था ना, इसको मैंने इसके अकॉर्डिंग बनाना था तो बन गया, बस हो गया। लिख लो, नहीं लिखना तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, मैक्सिमम एक दो बार तो आप लिख के करोगे, धीरे धीरे माइंड में हो जाती है चीजें, ठीक है जी। मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू, तो मैक्सिमा लेके फोर था, फोर में प्लस होगा, फोर में माइनस होगा, क्या चीज होगी, वो जो मॉडुलस वैल्यू होती है ना, तो मैं मॉडुलस यही लिख देती हूँ, क्योंकि दोनों में सेम ही प्लस माइनस होती है। देखो ये चीज तो आपकी है, ये गिवन, जो गिवन होती है उसको छोड़ दो, जो बाकी रिमेनिंग रह जाती है, जो बाकी रिमेनिंग रह जाती है उसका मोड आता है। तो रिमेनिंग क्या है आपके पास, थ्री माइनस टू योटा का मोड, जब आप इसका मोड निकालोगे, थ्री का स्क्वायर नाइन, टू का स्क्वायर प्लस फोर, ये तो थर्टीन आ गया भाई, स्क्वायर रूट थर्टीन, स्क्वायर रूट थर्टीन, तो यही आ जाएगा आपके पास मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यूज, ठीक है जी। बट ना इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ना कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू, अगर डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैक्सिमा मिनिमा वैल्यू का डिफरेंस पूछ भी लिया तो क्या है, इन दोनों का माइनस ही तो करना है, है ना, तब माइनस करके निकाल सकते हो डिफरेंस क्या है, तो माइनस प्लस ये कट जाएगा, तो टू रूट थर्टीन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहीं पे एक छोटा सा मेरे माइंड में और आ गया, भी वो भी क्लियर करवा दूं, अगर यहाँ पे भाई देखो मोड जेड लिखा है, मोड जेड की जगह पे मोड जेड प्लस टू हो जाता भी, इसकी मैक्सिमम मिनिमा निकालो तो भी हम वैसे करते, क्यों, क्योंकि देखो मोड जेड माइनस थ्री प्लस टू एटा तो लगाना ही था, प्लस थ्री माइनस टू एटा लगा दिया, ये प्लस टू था वो मैंने बाद में लिख दिया सेपरेट में, क्योंकि जो मेरा नंबर था वो तो आएगा ही आएगा ना, इसे कंपेयर करना था इसके साथ तो मैंने बना दिया, अब इसकी वैल्यू तो छोड़ देंगे क्योंकि ये तो हमारा यही नंबर बना हुआ है, अब इसको मोड में लेना है मैक्सिमा वैल्यू के लिए, है ना, फोर में हम ऐड कर देंगे क्या इसका, देखो थ्री प्लस ये रियल पार्ट था तो प्लस हो जाएगा, फाइव माइनस टू एटा बन गया ना, अब बस फाइव माइनस टू एटा का मोड निकाल लीजिए, कुछ भी नहीं है, 25 प्लस 4 स्क्वायर रूट 29 आ गया, अब स्क्वायर रूट 29 ऐड हो जाएगा, मिनिमम 4 माइनस स्क्वायर रूट 29 आ गया ना, कितने मजे से आता ना क्वेश्चन करने में मजा, ट्रिक नंबर 3 तक हम कर गए और कितने इजीली से हम कर गए, तो मैक्सिमम मिनिमम बहुत इजी से आपका हो जाता है यहां से। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रिक पे, ट्रिक नंबर 4। ट्रिक नंबर 4 के लिए ये ध्यान रखना आप, ये बहुत बेनिफिट देता है आपको, ये जरूरी नहीं होता कि सेम ऐसे टाइप के क्वेश्चन में चलता है, इसका एक एमसीक्यूज भी लेके आऊंगी, देखना ये ट्रिक्स ना किसी क्वेश्चंस में वैसे भी नॉर्मली भी यूज हो जाती हैं। अगर आपके पास, आपने हमेशा ये ध्यान में रखना है कि वन वन प्लस अगर योटा का स्क्वायर की वैल्यू टू योटा होती है, अगर माइनस आ गया तो आगे माइनस लग जाएगा, देखो तभी लिखा है प्लस है तो प्लस टू योटा, माइनस है तो माइनस योटा, वन प्लस, क्योंकि अगर स्केयर की वैल्यू पता है ना, इससे हम जितनी मर्जी हायर पावर आ जाए उसे हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। और एटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, माइनस वन, आपको पता है एटा रेज टू पावर फोर क्या होता है, वन, जब भी हमें वन का मल्टीपल बनाना है तो वो फोर का मल्टीपल बनेगा, ठीक है, और वन बाय एटा हमेशा माइनस एटा होता है। अब देखिए मैंने ये क्वेश्चन लिखा है, उन्होंने आपसे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी, ठीक है, इस एक्सप्रेशन की, अब वन प्लस एटा, वन प्लस एटा अगर इसको मैं स्केयर करके ऊपर सिक्स कर लूं कोई दिक्कत तो नहीं है, अब ये वन माइनस एटा की स्केयर करके ऊपर सिक्स कर लूं कोई प्रॉब्लम है, कोई नहीं है, तभी कहते हैं स्केयर पावर के अकॉर्डिंग तोड़ो आपका आंसर बनेगा। अब वन प्लस एटा था ये तो बनेगा टू एटा रेस टू पावर सिक्स, अब ये क्या बनेगा माइनस टू एटा रेस टू पावर सिक्स, क्योंकि पावर सिक्स सिक्स है, यहाँ पे सिक्स पावर है, ये नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, छोड़ सकते हो आप, देखो टू रेस टू पावर सिक्स, अब आप दिमाग में सोचो यहाँ एटा रेस टू पावर सिक्स आएगा, अब एटा रेस टू पावर जब सिक्स आया है ना, एटा रेस टू पावर सिक्स, तो आप फोर से डिवाइड करो, रिमाइंडर फोर का लिखने का मेरा मतलब यही है कि जब भी आपके पास एटा की जितनी भी हायर पावर आ जाए उसको फोर से डिवाइड कर दिया करो, फिर जो रिमाइंडर आता है ना एटा का वही आएगा, तो एटा के रिमाइंडर मैक्सिमम तीन तक ही आ सकता है यहाँ से, है ना, तो एटा के सिक्स था, जब सिक्स को आप फोर से डिवाइड करोगे रिमाइंडर टू आ रहा है, यानी कि एटा स्क्वायर, एटा स्क्वायर माइनस वन होता आप लिख भी सकते हो,
यहाँ पे देखिए ये भी पॉजिटिव साइन में हो गया, 2 रेस्ट पावर 6 योटा रेस्ट पावर 2 बचेगा क्योंकि सेम सेम था, तो ये क्या हो गया -2 रेस्ट पावर 6 -2 रेस्ट पावर 6। तो ये अगर कॉमन में निकाल लेते हो आप तो ये -2 रेस्ट पावर 7 आपका कॉमन आंसर आ गया। क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा और करवा दूं पर लेंथी ना हो जाने बीड़ी वीडियो भी, अगर ओड पावर में भी आ जाता है। एक छोटा सा क्वेश्चन, हल्का सा इसी कंसेप्ट को क्लियर करते हुए करवा देती हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर आपके पास आ गया वैल्यू ऑफ 1 iota raised to power 13, ये आ गया, ठीक है 13 आ गया, इसकी वैल्यू निकालो। अब मुझे ये पता है 1 iota आ गया, इसको स्क्वायर के अकॉर्डिंग अगर मैं ब्रेक करती हूँ तो एक पावर बच गई, तो उसको 1 iota लिख दीजिए आप। ठीक है जी, तो ये तो 2 iota raised to power 6 आ गया है ना, 1 iota। अब 2 raised to power 6 तो एज इट है, iota raised to power 6 में क्या बचा था -1, तो -2 raised to power 6 1 iota, ये आंसर आ जाएगा। अगर iota में कुछ बचता तो मल्टीप्लाई हो जाती, देखो कितना ईजी हो गया। तो ऐसे पावर्स को यूज करके कंसेप्ट को बहुत इजी से आप क्वेश्चन निकाल सकते हो। ये थी हमारी ट्रिक नंबर 4। अब आती है ट्रिक नंबर 5 जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन ना बहुत बार एग्जाम में आया है, आप प्रीवियस ईयर जितने मर्जी एग्जाम देख लो। ठीक है जी, ये आपने क्या लर्न करना है कि अगर 1 iota 1 iota है, अदरवाइज ना हम इसे रैशनलाइज करके सॉल्व करेंगे, तो देखना अगर ऊपर प्लस है तो +iota आएगा, अगर ऊपर माइनस है तो -iota आता है, रैशनलाइज करके यही आंसर आएगा। तो हम इसे डायरेक्ट ही लर्न कर लेते होते हैं, इतने बार ये क्वेश्चन में एप्लीकेबल होता है कि ये लर्न ही हो जाता है। ठीक है, अब इसके भी आप पे देखिए क्या बनेगा आंसर, आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे क्या आया 1 iota 1 iota raised to power n। तो क्या आप इसे रैशनली सॉल्व करोगे? नहीं, आपको पता है ये प्लस आया तो ये iota raised to power n आएगा। अब मैंने इन्होंने लिखा है कि ये जो है ना ये 1 के इक्वल है, है ना, 1 के इक्वल है। अगर 1 के इक्वल है तो iota raised to power n 1 कब बनती है? जब n क्या हो, 4 का मल्टीपल हो। तो स्मॉलेस्ट पूछा था ना इन्होंने, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा आंसर। आ गया, बड़ा इजी। 2 नहीं लेना क्योंकि iota स्क्वायर तो फिर -1 हो जाएगा, हमें 1 बनाना है पॉजिटिव। ठीक है जी, तो ऐसे आपके पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एक एमसीक्यूज की तरफ। इसी के बिहाफ पे ये देखिए, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस 1, कैसे निकालोगे? वही सेम फंडा, पहले 8 इमेजिनरी पार्ट का हाफ कर दीजिए, -4 आ गया है ना। जब हाफ करोगे तो इसको अब हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्या कि हमें ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर पर -15 मिलना चाहिए, यही ना, -15 मिलना चाहिए। तो करेंगे कैसे भाई? देखो इसके फैक्टर तो हो जाता है 4 into 1 ही बन सकते हैं, क्योंकि 2 into 2 करोगे तो 4 आएगा ना, बट 2 का स्क्वेयर 4 वो तो 8 बन रहा है, ये 4 into 1 बन सकते हैं, 16 minus 1 करने पर 15 आ जाएगा है ना। आप ऐसे हो सकते हो, देखो 4 into 1 करेंगे तो 16 minus 1 करने पर 15 आ गया, लेकिन हमें -15 चाहिए, तो यानी कि ए ये आएगा और बी यहाँ पे 16 आएगा, तभी जाके -15 बनेगा, यानी कि 1 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। ए बी आ गया ना बहुत इजीली है ना, ए और बी, लेकिन हमें यहाँ पे भी माइनस चाहिए, तो यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, -1 into 4 कर सकते हैं। तो यानी कि मेरा जो इसकी वैल्यू आ गई -15 - 8 iota = ±, है ना। तो देखो ए यानी कि -1 + 4 iota, ये आपका आंसर आ गया, कितना इजी आ गया आपके पास। ठीक है जी, हो गया क्लियर। क्या किया मैंने, इमेजिनरी पार्ट का हाफ किया, 2 पार्ट में फैक्टराइज किया, देखो मल्टीप्लाई करके -4 बन रहा है, स्केयरिंग और सब्ट्रैक्टिंग करके -15 बन रहा है। तो ऐसे हमारी ए और बी चूज हो जाती है। एक और देखेंगे जस्ट यहाँ पे, ठीक है जी, एमसीक्यूज नंबर 2। देखिए अब वैल्यू ऑफ दिस पूछा है, अब इसमें ट्रिक कैसे एप्लीकेबल हो जाएगी? देखो मुझे ये पता है कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, प्लस आया 2 iota होती है ना, देखो कितना इजी। अब नीचे वाला है इमेजिनरी तो रैशनलाइज तो होगा ही, यानी कि 3 iota से मल्टीप्लाई हो जाएगी। नीचे भी जब आप 3 iota से करोगे, आप एग्जाम में भी ऐसे जल्दी करोगे, नीचे देखो 3 का स्क्वायर 9 कि नहीं, और 1 का स्क्वायर यानी कि +1 हो जाएगा, यानी कि 10 डायरेक्ट आप कट कर दीजिए, यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, नीचे 5 आ रहा है, सबके नीचे आ रहा है। जब आप iota से मल्टीप्लाई करोगे, देखो 3 iota ये बन रहा है iota² - 1, यानी कि -1 + 3 iota आ रहा है, -1 + 3 iota आ गया ये ऑप्शन, अपॉन में 5 तो आ ही रहा था। तो देखो कितनी इजी हो गया,
वो जो ट्रिक थी वो यहाँ पे नहीं, अदरवाइज पहले हम स्क्वायर खोलते फिर रैशनलाइज करते, दो स्टेप बढ़ गए थे, एक दो स्टेप कम हो गए यहाँ पे, ठीक है जी। अब चलिए आगे देखिए, बस लास्ट ऐसा क्वेश्चन कहते हैं जेड इज इक्वल टू वन प्लस योटा वन माइनस योटा, देन द वैल्यू ऑफ जेड रेस्ट टू पावर सिक्स इज, देखो यानी कि हमने वन प्लस योटा वन माइनस योटा रेस्ट टू पावर सिक्स निकालना है, इसकी वैल्यू क्या थी योटा, योटा रेस्ट टू पावर सिक्स। अब वही बात, इसको अगर फोर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर टू आ रहा है, योटा स्क्वायर बचेगा, योटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, तो बी आंसर आ गया, हो गया ना। सेकेंडो में आंसर होता है, मिनट भी नहीं लगता इसमें, ठीक है जी। तो ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, यहाँ यहाँ पे आपको ये ट्रिक्स एप्लीकेबल होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसी ही और मजेदार ट्रिक्स के लिए हमारे साथ जरूर जुड़े। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, नहीं मैं लिख भी देती हूँ, है ना। जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम का मेंशन करके कहाँ से हो आप व्हाट्सएप जरूर करें, फिर पर्टिकुलर ग्रुप में आप ऐड हो गए तो वहां पे आपको टॉपिक कंटेंट मिलता रहे। Thank you for watching.